इसराइल हमास युद्ध में यमन का हूती इसराइल के लिए एक ऐसा फ्रंट बनकर उभरा है जिसे चाहकर भी आईडीएफ भेद नहीं पा रही है। हूती दिन ब दिन इसराइल के ऊपर हावी होता जा रहा है और तमाम मॉडर्न सैन्य टेक्नोलॉजी से लैस आईडीएफ हूती के आगे असहाय नजर आती है और यही वजह है कि आज भी उत्तरी इसराइल हूती के हमलों की वजह से सुलग रहा है। और अब इसी कड़ी में यमन के अंसर अल्लाह आंदोलन के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर से डंके की चोट पर इसराइल को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। अल हूती का कहना है कि तेल अवीव पर ड्रोन हमला तो सिर्फ एक ट्रेलर था बल्कि आने वाले समय में तेल अवीव पर इससे भी ज्यादा भीषण हमले किए जाएंगे। अल हूती का कहना है कि इसराइल को आगामी हमलों के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने एक संबोधन में इसराइल को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि इसराइल पर हमले पांचवें चरण में प्रवेश कर चुके हैं और इस चरण की शुरुआत इसराइल के कब्जे वाले याफा शहर यानी कि तेल अवीव पर ड्रोन हमले से हुई है। अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि मैं इस ऑपरेशन से अचंभित था और लक्ष्य के महत्व तथा यमन में बनाए गए ड्रोन द्वारा तय की गई लंबी दूरी के कारण हैरान भी था। इस ड्रोन ने सभी बाधाओं और एयर डिफेंस को भेदते हुए तेल अवीव के भीतर घुसकर हमला किया और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम थे जो उसे अन्य देशों से मिले हैं। علامة قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة ومن جهة أخرى عملياتنا مستمرة متواصلة في المرحلة الخامسة وفي عمل مستمر ودؤوب للتصعيد بكل ما يمكننا لن نتردد في ذلك أبدا لإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم المعتدى عليه ضد العدو الإسرائيلي كانت ردة الفعل من قبل العدو الإسرائيلي مهما كانت استعراضية أو مهما نتج عنها إنما سيكون كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي أيضا محفزا أكثر لتصميم أكبر على الانتقام من جهة وعلى مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني وهو الهدف الأساس من جهة أخرى. الهوتي نے آگے کہا کہ ہم آنے والے سمے میں تیل اویو پر اور بھی زیادہ بھیشن حملے کریں گے और तेल अवीव पर पिछला हमला अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो इसराइल के घमंड पर एक गहरी चोट था। तेल अवीव पर ड्रोन अटैक ने इसराइलियों को दहशत में डाल दिया है। आपको बता दें कि अपने इसी बयान में अल हूती ने कहा कि इसराइल अपनी सुरक्षा खो चुका है और सभी लाल रेखाएं पार हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इजरायली मीडिया ने इस बात को माना है कि तेल अवीव पर हमला ऑपरेशन में एक गंभीर कमी और पूरी तरह से अंधेपन को दर्शाता है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायल हर मोर्चे पर तैयार था। अल हूती ने इजरायली मीडिया में तेल अवीव हमले की खबरों को लेकर कहा कि इजरायली एजेंसियां इस हमले से पूरी तरह से सदमे में थीं, लेकिन अभी बड़ा सदमा आना बाकी है। इजरायल ने माना कि यमन एडवांस हथियारों से हमला करने के लिए उनका उत्पादन करता है और इस बात से भी अवगत है कि इनका उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अल हूती ने आगे ये भी कहा कि ये तो अच्छी बात है कि इसराइल ने माना है कि यमन एडवांस हथियारों का उत्पादन कर रहा है और उनके सबसे गंभीर दुश्मन मॉडर्न हथियारों से लैस हैं। आपको बता दें कि हूती के नेता ने
तेल अवीव पर हुए जिस हमले का बार बार अपने संबोधन में जिक्र किया, वो हमला 19 जुलाई 2024 को हुआ था। इस दिन हूती का एक ड्रोन बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उसके भीतर तक जा घुसा था, जहां पर ये ड्रोन एक बिल्डिंग से टकरा कर फट गया था और इसकी चपेट में आकर एक इजरायली की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे।